बच्चों, मेंटल मैथ क्लास 10th के हम लास्ट पार्ट पर आ गए हैं और इस पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, थोड़े शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and 45, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, ठीक है, ये याद रखना रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इफ सम ऑफ ऑल द टर्म इज 500। तो हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कितने टर्म का सम 500 होता है ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको लर्निंग होगा, ठीक है, क्या जब हमें टर्म फाइंड आउट करने, तो n बाई टू और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और हमें नंबर फाइंड आउट करने टर्म के, तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं सम वाले से। बट गिवन सम कितना है 500, तो 500 आप इक्वल रख दीजिए, ठीक है। तो n बाई टू और a, a क्या है 5 plus last 45, ठीक है, इक्वल 500, और 45 प्लस 5 होता है 50, तो n बाई टू इंटू 50 और इक्वल 500, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या करना, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 पंजा 5 5 10 10 पे हो गया। अब 2 इधर डिवाइड में इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 10 इंटू 2 यानी 20 टर्म हो गई बच्चों, ठीक है, टोटल टर्म कितने हो गए 20, तो ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ईजी है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, इफ ए टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, ठीक है, ए टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस 7d, ये कितना गिवन है 0 दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू निकाल लो, ए इक्वल 7d, इधर प्लस में इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अच्छा आगे कहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 28 टर्म एंड 18 टर्म, 28 और 18 टर्म में क्या रिलेशन है, अब देखते हैं 28 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस 27d, ऐसे ही तो होता है। अब हम ए की जगह ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो माइनस 7d प्लस 27d इक्वल टू ये माइनस ये प्लस, तो आ गया 20d आ गया बच्चों, ठीक है। और ये क्या था 28 टर्म था, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बच्चों इस तरीके से, और ये था अपना 8 टर्म, तो ए इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब 18 टर्म फाइंड आउट करना, तो ए 18th, तो 18 टर्म फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस 17d होता है, आपको सभी को मालूम है, तो ए की जगह ए की वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस 7d प्लस 17d और ये प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो क्या आ गया 10 आ गया बच्चों, 10d प्लस का आ गया। रिलेशन पूछा है, अब रिलेशन पूछा है, तो ये 28 टर्म हम देख रहे हैं 18 टर्म का डबल है, ट्वाइस है, ठीक है, ये क्या है ट्वाइस, तो लिख सकते हैं हम इधर 28 टर्म इज ट्वाइस, ठीक है, ये क्या है ट्वाइस है, तो बच्चों ये रिलेशन है इसका, समझ में आ गया, ट्वाइस आपका आंसर आ जाएगा कि रिलेशन क्या है, ट्वाइस है, 28 टर्म ट्वाइस है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा आपके सामने, क्या कहता है, इफ 15th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 20, ठीक है, 15th टर्म इसका एक्सीड है 20th टर्म से, ये 15th टर्म लिख लेता हूँ मैं, ये 15th टर्म हो गया और ये इक्वल बना देता हूँ मैं एक बार, और ये हो गया 10th टर्म, ठीक है। लेकिन कुछ पूछा है कि ये जो है ना ये वाला टर्म ये क्या है, एक्सीड है इस टर्म से, ठीक है, या 10 लिख लेते हैं, 10 यानी 15 टर्म एक्सीड है इस टर्म से, एक्सीड है कितना 20, अगर भाई ये एक्सीड है ना, अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो 20 आना चाहिए, या इसमें प्लस 20 कर दो, एक ही बात होती है, तो इक्वल हो जाते हैं। आइए आप क्या करना है, आपको 15 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ए प्लस 14d होता है, ठीक है, और इधर मैं 10th टर्म ए प्लस 9d होता है, 9d इस तरीके से प्लस 20,
अब ए प्लस नाइन डी को आप ले आओ इस साइड में, ठीक है, और इस साइड में आकर ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आइए कर लेते हैं, तो ए प्लस फोर्टीन डी और माइनस ए हो गया, और ये माइनस नाइन भी हो गया, और इक्वल 20 इस तरीके से। अब ए ये तो कट गया, 14d और माइनस 9d, 14 में से 9 माइनस कर दीजिए, 5d आ जाएगा, बड़े नंबर के सामने प्लस है इसलिए प्लस का रहेगा 20, और d की वैल्यू निकाल लेते हैं 25, इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 5 × 5 = 20, तो d आ गया हमारा 4। तो पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, देखो, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो सबसे पहले थर्ड टर्म हम लिख लेते हैं, ठीक है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 2d, जितना की वाना 4 है, और नाइन्थ टर्म लिख लेते हैं, तो नाइन्थ टर्म कैसे लिखा जाएगा, a प्लस 8d इक्वल कितना, माइनस 8 है। और अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, ये माइनस हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब ये तो कैंसिल हो गए, 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6d आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन लग चुका है तो माइनस का रहेगा, और 8 और 4 हो गया 12, तो d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, माइनस के साइन को आप इधर रख लिख दीजिए, तो 12 by 6, 6 × 6, 6 × 2 = 12, तो d इक्वल आ गया -2, ठीक है। अब d की वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन 1 में, इसमें पुट कर दीजिए। आइए, तो a प्लस 2 × d, d की जगह d की वैल्यू को पुट किया और इक्वल 4 हो गया, तो 2 × 4 होता है बच्चों, इधर -4 रहेगा, 2 × 4, और माइनस प्लस माइनस, माइनस 4 हो गया, माइनस 4 इधर आकर प्लस 4 हो जाएगा, और 4 और 4 प्लस किया तो 8 आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब पूछा विच टर्म इज ऑफ द AP जीरो, ठीक है, यानी कौन सा टर्म जीरो होगा, तो मान लीजिए n टर्म जीरो होगा, तो n टर्म क्या होगा, जीरो होगा। तो n टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जीरो। तो a की जगह a की वैल्यू को पुट करना है, और n तो हमें फाइंड आउट करना ही है, d की जगह d की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इस तरीके से, प्लस 8 इधर आकर ये माइनस 8 हो जाएगा, तो n माइनस 1 और इक्वल माइनस 2, इधर ये माइनस 8, ठीक है। तो माइनस से माइनस का साइन काट दीजिए, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से इधर ही कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो इधर n माइनस 1 इक्वल 4 आ गया, तो n इक्वल 4 माइनस 1 इधर आकर ये प्लस 1 हो जाएगा, और n इक्वल आ गया बच्चों 5, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके सामने, देखो ये भी बड़ा ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, ए मैन गोट ए जॉब विद मंथली सैलरी ऑफ ₹7,000, ठीक है, ₹7,000 मंथली सैलरी पर वो जॉब करता है, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500, और इंक्रीमेंट जो होता है वो ईयरली होता है, यानी 1 ईयर में 1 टाइम्स होता है, 500 रुपीज़ की इंक्रीमेंट हो जाती है, वट विल बी हिज सैलरी आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद उसकी सैलरी क्या होगी, ठीक है। अब उसकी मंथली सैलरी क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ बच्चों एक बार, मंथली सैलरी, ठीक है, मंथली सैलरी है बच्चों 7,000 रुपीज, ये मैंने लिख लिया। अच्छा इंक्रीमेंट कितनी है, ठीक है, 1 ईयर की इंक्रीमेंट कितनी है, 1 ईयर की, फर्स्ट ईयर इनक्री, यहाँ पे लिख लेते हैं इंक्रीमेंट इन 1 ईयर कितनी है, 500 रुपीज़ है बच्चों। तो 10 ईयर में इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, तो इसको आप क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 10 से कर दें, तो कितनी हो गई, 5,000 रुपीज़ की इंक्रीमेंट हो गई। अब सैलरी उसकी क्या होगी, 10 ईयर के बाद, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स हिज सैलरी क्या होगी भाई, 7,000 रुपीज़ तो पहले थी, 5 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो चुके 10 ईयर में,
तो अब उसकी सैलरी क्या हो गई, 12,000 हो गई बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया है, तो आप इसे ध्यान से देखिए, करें और समझें और दूसरों को जरूर बताएं। मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में न्यू चैप्टर के साथ, टिल देन थैंक यू।